नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो खत्म हुए, अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। शुरुआत सबसे पहले कर दी है आरजेडी ने। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज वो छपरा गए थे, छपरा में जहां पर गोलीकांड हुआ और आपको मालूम है चुनाव के बाद वहां पर हिंसा हुई थी, लोग मरे थे, युवा पीढ़ी के जो लोग आते हैं उनका वहां पर निधन हो गया था गोली लगने के कारण। तेजस्वी यादव आज वहां गए, कल हार की समीक्षा बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया जिन जिन विधानसभा सीटों पर हमारे विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं और वहां हमें बढ़त नहीं मिली है इस लोकसभा चुनाव में, वो 2 महीने के अंदर अपना जो संगठन है उसे सुधार ले, नहीं तो 2025 में हम सुनेंगे नहीं। यानी कि ये साफ साफ दिख रहा है कि 2020 में जैसे तेजस्वी यादव चूक गए थे, महज 12,500 वोट का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में, इस बार वो चूकना ही चाह रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी है। बहुत स्वागत है सर आपका। आपका नजरिया रहता है और बहुत बारीक नजर रहती है आपकी। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल कहा, शुरुआत तो इसी से करेंगे, जो 2020 में चूक गए उन्होंने कहा भी था, कई बार कहते भी है कि महज 12,500 वोट का अंतर रहा, इस बार वो चूकना नहीं चाह रहे क्योंकि अगले साल चुनाव है। अब तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 15 अगस्त के बाद वो जिलों में जाएंगे, घूमेंगे। स्वाभाविक है, हर जो पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो अपने विधायकों को टास्क देते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं और लोकसभा का चुनाव का परिणाम विधानसभा वाइज जो डेटा होगा उनके पास उसके आधार पर तो विधायकों को परफॉर्मेंस भी बताएंगे कि आपके लोकसभा में परिणाम क्या आया है, हमारे जो कैंडिडेट थे वो आगे रहे, वो पीछे चले गए। तो राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं वो इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं और तेजस्वी तो काफी आसानवित हैं कि अगला जो बिहार का जो परिणाम होगा वो हमारे हिस्से में होगा, क्योंकि चूकने वाली बात जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हर उस कमी को दूर करें जहां पर हम किसी कारण से पिछड़ जाते हैं और हमारे प्रतिद्वंदी बाजी मार ले जाते हैं। तो विधायकों को उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया है कि जनता का भरोसा जीतने की कोशिश के लिए भी आपके पास वक्त है। अगर आप परफॉर्म नहीं किए हैं, जनता के बीच नहीं रहे हैं, पार्टी का टिकट मिला, आप चुनाव जीत गए, इसका यह मतलब नहीं कि अगली बार आपको टिकट मिल ही जाए। अगर आप परफॉर्म नहीं किए हुए होंगे तो जनता की नाराजगी अगर होगी आपके प्रति तो हम हो सकता है कि वैसे उम्मीदवारों को भी हम चुनाव में उतारें जिनके प्रति जनता के मन में एक सम्मान हो, जनता का एक भरोसा हो, एक विश्वास हो, क्योंकि लोकतंत्र तो भरोसा और विश्वास से ही तो चलता है और जनता का भरोसा और जनता का विश्वास जो पार्टियां जीतने में कामयाब होती हैं परिणाम उन्हीं के हिस्से में। तो तेजस्वी यादव ने अपने अपने विधायकों को एक टास्क दे दिया है या प्रूफ करके दिखाइए और बाकी तो लोकसभा का जो परिणाम है वो बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि कहां आप आगे निकल गए, कहां आपके क्षेत्र में पिछड़ गए। हम आखिर जनता की लोकप्रियता, जनता के बीच में आप इतने ही अधिक लोकप्रिय थे तो आखिर पिछड़ने का कारण क्या है ये भी बता दी। तो तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया है जी, देखिए कितनी सफलता मिलती है। 2024 में जो चुनाव हुआ या 2019 में भी चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव का दृश्य अलग होता है, विधानसभा चुनाव का दृश्य अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। तो आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी तेजस्वी यादव का चूक जाना ये कहीं ना कहीं फेलियर तो है कि आप विधायक जीत कर आते हैं लेकिन जो वोट आपको पिछली बार पड़े वहां इस बार, जैसे अब जहानाबाद में और औरंगाबाद की बात करें, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उन सभी, माफ कीजिएगा, जितनी विधानसभा की सीटें हैं, माफ कीजिएगा, जहानाबाद में और औरंगाबाद में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उन सभी पर जीत मिली महागठबंधन को। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं, 23 में से 7 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां एक भी विधानसभा में नहीं जीत पाई आरजेडी महागठबंधन। अरे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर लोकसभा वाइज देखा जाए तो जहानाबाद लोकसभा, औरंगाबाद लोकसभा, लेकिन ऐसे भी शाहबाद और मगध के इलाके में महागठबंधन ने पिछले बार भी अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि इसके लिए दोषी माना जाता था कि चिराग पासवान अगर अपने बागी उम्मीदवार खड़ा नहीं करते तो आरजेडी को इतनी बड़ी जीत नहीं, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हुआ है कि चिराग पासवान की वजह से आरजेडी हारी भी है। तो चिराग पासवान भी इस बार एनडीए के साथ हैं, तो जीत और हार के अलग अलग कारण और गणित होते हैं, लेकिन हर उस स्टोन को अनटर्न करना चाहते हैं
जिसकी वजह से चुनाव में इनको परेशानी का सामना करना पड़े। और आपने अच्छी बात कही कि लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव की ही तो ताकत है क्षेत्रीय पार्टियों के पास, जो उनको सत्ता तक पहुंचाती है या सत्ता से वंचित कर देती है। तो तेजस्वी यादव उर्यान्वित हैं, आशान्वित हैं, उनको लग रहा है कि महागठबंधन का जो हमने एक समीकरण तैयार किया है वो समीकरण हमारे पक्ष में है। अब कुशवाहा समाज पिछली बार तो इनके साथ खड़ा नहीं था, इस बार लोकसभा के टिकट बंटवारे से लेके अभय कुशवाहा को जिस तरह से इन्होंने संसदीय दल का नेता बनाया है, लगता है कि कुशवाहा समाज को भी साधने में आरजेडी कामयाब होगी, तेजस्वी जी कामयाब होंगे। तो जातीय और सामाजिक समीकरण को अगर ये साध लेंगे और जो कमियां रह गई है उन कमियों को ये दूर करने में सफल हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जीत की तरफ बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं होगी। इसीलिए तो तेजस्वी यादव ने सबसे पहले अपने विधायकों को कहा कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, अगर आप जीत गए थे पिछली बार इसका ये मतलब नहीं कि आप मान लीजिए कि इस बार तो जीत हमारी पक्की ही है, आप चुनाव में कुछ भी हो सकता है, तो परफॉर्म कीजिए, आप जनता के बीच में अपने कार्यों को बार बार जाकर के गिनवाइए कि आपने क्या क्या किया है उस क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, तभी तो जनता का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो एक कोशिश, मजबूत कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि जो 2025 का विधानसभा का चुनाव हो उस चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी उभर करके आए, बहुमत लेकर के आए ताकि ये सरकार बना सके। हर पार्टी कोशिश करती है, तेजस्वी जी भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने विधायकों को समझा भी रहे हैं और अगर बिहारी भाषा में कहा जाए तो हड़का भी रहे हैं कि आप आश्वस्त मत रहिए कि अगर आप सिटिंग एमएलए हैं इसका मतलब आपको टिकट मिल ही जाएगा, अगर आप परफॉर्म नहीं किए हैं तो हम एक वैसे व्यक्ति को भी टिकट दे सकते हैं जो व्यक्ति हमको परिणाम ला करके दे। क्योंकि हर पार्टी तो सर्वे कराती है अपना चुनाव से पहले, हर पार्टी इसलिए तैयार रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इनके पास भी इनपुट होगा और इन्होंने भी सर्वे कराया होगा कि हमारी क्या स्थिति है। और सर्वे में तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में ठीक है 30 सीटें एनडीए जीत गई, लेकिन उसके बाद भी जो तेजस्वी यादव का जो नौकरी और रोजगार की बात थी वो तो नौजवानों को और युवाओं को अपील की थी, बिहार में इसकी चर्चा हो रही थी और वो जाति वर्ग से अलग हट करके हो रही थी। और नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई हम 25 के मार्च तक हम 12 लाख नौकरी दे देंगे, तो ऐसा विपक्ष की उम्मीद तो लोकतंत्र में लोग करता ही है ना। ठीक है विपक्ष के ही दबाव में आप ही नौकरी दीजिएगा, 12 लाख नौकरी तो मिलेगी बिहारी नौजवानों को, 22 लाख इन्होंने कहा कि रोजगार हम दे दिए, 11 लाख और रोजगार देंगे। ये नौकरी और रोजगार की बात तो अपील की बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के नौजवानों को। तो तेजस्वी यादव एक बार फिर जब यात्रा पर निकलेंगे अगस्त से, बिहार के गांव गलियों में घूमेंगे, खेत खलिहानों तक पहुंचेंगे, उन किसानों की झोपड़ियों तक जब तेजस्वी पहुंच करके उन नौजवानों और ये जो नई नई पीढ़ी के लोग हैं उनको आश्वस्त करेंगे कि अगर आप हमें मौका दिए तो हम नौकरी और रोजगार के लिए आपको भटकने नहीं, तो ये बात तो कनेक्ट कर रही है। तेजस्वी यादव इसको धार देने की कोशिश करेंगे, सफलता सफलता तो जनता तय करती है। 15 अगस्त के बाद निकल रहे थे तेजस्वी यादव, देखिए हाल ही में उन्होंने जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार की गई थी, तो वो जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, अब आधार यात्रा पर निकल रहे हैं। 15 अगस्त के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद वो जिलों में जाएंगे, घूमेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जिस जिले में जाएंगे सिर्फ वहीं के विधायक रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं मधेपुरा और सुपौल के विधायक आ गए, पूर्णिया के विधायक लोग आ गए, ऐसी बात नहीं है, हम जहां जाएंगे गाँव में रहेंगे। ये जो नया ट्रेंड शुरू किया है आभार यात्रा करेंगे कि हाँ लोगों ने हम पर विश्वास जता के इतना वोट दिया, 2024 में वोट परसेंटेज आरजेडी का काफी बड़ा, कैसे देखते हैं ये फायदा करेगा आने वाले समय में? चुनाव तो एक साल अभी देरी है उसमें लगता है। नहीं नहीं देखिए, यात्रा का नाम आभार यात्रा हो या जो हो उस नामकरण में बहुत मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसके तो प्रमाण रहे हैं ना कि जो राजनेता जमीन से जुड़े रहे हैं, पदयात्रा करते रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, उसके फायदे तो मिले हैं। अभी उसके तो सबसे अच्छे उदाहरण राहुल गांधी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम घूम गए और जो पार्टी को विपक्ष
नेता के तौर पर बैठने का भी बहुमत नहीं मिलता था, वो 99 सीट ले आए। ये तो उदाहरण है कि राहुल गांधी ने जनता से कनेक्शन बनाया। तो कोई भी व्यक्ति हो, जब जनता से सीधे उनका जुड़ाव होता है और जिला वाइज ये घूमेंगे, जिला वाइज विधायकों से बात करेंगे, चाहे वो विधायक जीते हुए हों चाहे वो विधायक हारे हुए हों, और वहां के समीकरण को, वहां की समस्याओं को, वहां के जो अभी वार्निंग इश्यूज हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, अगर उस पर ये बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि इसका फायदा इनको मिलेगा। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? हाँ, नाम उन्होंने आभार यात्रा नाम दिया, वो अच्छी बात है कि लोकसभा में भी तेजस्वी जी पर भरोसा लोगों ने जताया। जो पार्टी शून्य पर थी वो पार्टी को 4 सीटें मिल गई बिहार में। जिस गठबंधन को 1 सीट मिली थी केवल किशनगंज की, उस गठबंधन को 9 सीटें मिल गई। तो आभार तो जताना ही चाहिए और जनता के बीच में तो होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार भी निकले थे यात्रा पर 2005 में, लोग ऐसा बताते हैं। 2005 में सत्ता पाने से पहले उन्होंने यात्रा की थी पूरे बिहार की घूम-घूमकर। देखिए, नीतीश कुमार जी तो यात्रा करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो सबसे अगर ज्यादा कोई बिहार में यात्रा किए हैं तो वो नीतीश कुमार ने की। अलग अलग नामों से नीतीश कुमार की यात्रा का तो एक रिकॉर्ड कायम। और नीतीश कुमार इसी वजह से तो एक लंबे कालखंड से मुख्यमंत्री भी हैं बने हुए बिहार के, 2005 से लेकर के, और 2025 अगर होगा तो 20 साल का कालखंड, बहुत बड़ा कालखंड होता है जिसमें एक व्यक्ति लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हो। तो तेजस्वी जी जनता और जमीन से जुड़ेंगे जाकर के, उनके साथ उन संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, अपने विधायकों के माध्यम से उनके साथ सीधे सीधे बात करेंगे और विधायकों के प्रति क्या नाराजगी है, क्या उनको विधायकों से उम्मीद है जो नहीं पूरा हो पाया, उनकी शिकायतों को दूर करेंगे। तो शायद लोकतंत्र में सफलता के राज तो यही छिपे हुए होते हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और विधायकों को हड़का भी रहे हैं कि अगर आप जनता के भरोसे पर आप खड़े नहीं उतरे हैं तो आप मान लीजिए कि हम आप पर बहुत भरोसा करने वाले नहीं है, मतलब कि हम आपको बदल भी सकते हैं, कोई नया उम्मीदवार भी हम दे सकते हैं। तो ये बात तो अपील करेगी लोगों को। जी, बोलिए, आप बोले थे। हाँ, तो मैं ये वही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, लेकिन ये मालिक कहने से नहीं होता है, ये दिखना भी चाहिए। तो अगर तेजस्वी जी जनता के बीच में होंगे, जनता के मौलिक समस्याओं पर संवाद करते हुए दिखेंगे, और सवाल पूछने का अधिकार तो लोकतंत्र में एक विपक्ष के नेता के तौर पर तो उनको है ही, तो जब जमीनी हकीकत को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ना, लगातार चाहे वो भागलपुर का पुल हो, अररिया का पुल हो, आज सिवान का पुल हो, पुल तो गिर रहे हैं। तो विपक्ष ही तो सत्ता को संतुलित रखता है, विपक्ष ही तो सत्ता पर अंकुश रखता है, नहीं तो सत्ता तो अपनी उपलब्धियों का गान करते ही रहता है, अपनी उपलब्धियां गिनाते ही रहता है। तो विपक्ष के नेता के तौर पर जब जमीन पर ये उतरेंगे और जमीनी हकीकत से घेरेंगे सत्ता पक्ष को, तो जनता की गोलबंदी और जनता का भरोसा इन पर बढ़ेगा। और स्वाभाविक है कि इसके अच्छे परिणाम विधानसभा का जब चुनाव होगा तो तेजस्वी जी के पक्ष में देखने को मिलेगा। तो जाए 15 अगस्त के बाद अगर ये जाते हैं और संवाद से उन समस्याओं से बिहारी वासियों की जरूरतों से सरकार को अगर अवगत कराएंगे, चेताएंगे, हुंकार भरेंगे, सरकार को घेरेंगे कि क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस समस्याओं का समाधान करें, तो वैसी स्थिति में तो तेजस्वी जी के प्रति भरोसा बढ़ेगा और विपक्ष के नेता का ये दायित्व तो भी बनता है कि जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाएं, सदन में भी और सड़क पर भी, जमीन पर भी और खेत पर भी, खलिहान में भी, तो हर जगह इन समस्याओं को जब उठाएंगे तो तेजस्वी यादव और भी एक परिपक्व नेता के रूप में उभर करके सामने आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। इस चर्चा में आपने बहुत कुछ बताया है, लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा। और तेजस्वी यादव जब बाहर निकल रहे हैं, बिहार में फिर घूमेंगे, यानी कि इस साल एक यात्रा हुई है, एक यात्रा अभी और होनी है, तो परिपक्व नेता तो हो ही गए हैं, इससे कितना फायदा होगा? लोगों के बीच जब जाएंगे तो लोगों की समस्याओं को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे,
आरजेडी पूरी तरह तैयार है, जो चूक गए थे 2020 में वो 25 में नहीं चुकेंगे, ये उन्होंने प्रण ली है, प्रण ठानी है। देखना है आत्मविश्वास से भरे हुए तेजस्वी यादव को आगे कितनी सफलता मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।